रैनी चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। चलें आप देख रहे हैं जो आज चीज़ पकने जा रही है वो है कद्दू। अब हम कद्दू का भुर्ता बनाएंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको आयरन वगैरह ज़्यादा नहीं लेना होता, जैसे किडनी का पेशेंट है या कोई और पेशेंट है जिसमें कि डॉक्टर आपको आयरन से मना करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बैंगन में बहुत आयरन होता है, तो उसकी जगह पे हम घी का भुर्ता बना सकते हैं और अपना शौक पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, मैंने इतने साइज़ का लौकी लिया, इसे मैं अभी छीलूंगी, स्लाइस करूंगी और स्टीम कर लूंगी, फिर उसको हम मैश कर लेंगे। साथ में एक छोटा टमाटर, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के चॉप्ड अनियन, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक ग्रीन चिली चॉप्ड, फिर साथ में वही हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और साथ में सब्ज़ मिर्च और धनिया गार्निश के लिए। चले मैं इसको छीलती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको स्टीम करें। ये देखिए पानी उबलने लगा है, मैंने स्टीम करने के लिए ये तैयार किया है। अब हम इसको छलनी रखेंगे और इसको हम ऊपर से ढाँप देंगे उस वक्त तक जब तक कि कद्दू थोड़ा नरम हो जाए, बिल्कुल बहुत नरम नहीं करना कि मशीन ना हो जाए। बाद में हम फिर इस ग्राइंडर में करेंगे, ब्लेंडर में नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लेंडर में ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसकी थिक सी पेस्ट चाहिए जो चंकी भी हो, तो हम इसमें एक दफ़ा सिर्फ चलाएंगे। पैन गर्म हो गया, मैंने इसमें 1/4 कप तकरीबन तेल लिया है। अब देखेंगे कि इसमें ज़रूरत हमें कितनी है, तो मैं इसका तकरीबन ये वाला हिस्सा आधा 1/4 कप से आधा मैंने डाला है। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए रखा था ताकि मालूम पड़े, क्योंकि लौकी जो है वो बाद में थोड़ी सी ही रह जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर ज़रूरत हुई तो हम भूनते वक्त लौकी को फिर से हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो चॉप करके रखा, हल्का सा कलर आएगा तो हम इसमें से अपनी सब्जियाँ हम बनाते हैं उनमें प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना होता, क्योंकि गोश्त और चिकन वगैरह के लिए इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं, लेकिन सब्जियों में आमतौर पर हम इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करते, बल्कि हल्का सा कलर आने से दूसरी चीज़ें शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें जो हमने चॉप करके लहसुन अदरक रखा था वो डाल दिया, कई लोग भुट्टे में प्याज और टमाटर जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं डालना, तो वो आपकी अपनी ख्वाहिश पे है और अपने टेस्ट पे है। मुझे भुट्टे में बहुत ज़्यादा प्याज और टमाटर नहीं पसंद, लेकिन आप अपनी वेरिएशन कर सकते हैं ज़्यादा या कम, नरम होता है तो हम खाली ऐड करें। तो मैंने आपको दिखाया था नमक मिर्च और ये सब भी हम डाल देते हैं, देखिए अब इसके अंदर छुरी जा रही है, तो क्योंकि इसने पकना भी है मसाले में, तो अब हम इसको उतारेंगे और उस ग्राइंडर में इसको थोड़ा ग्राइंड करते हैं। तो मैंने थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें डाल रही हूँ और इसको हम थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा चलाएंगे और फिर देखते हैं कि कितना वो चंकी बनता है। मशीन में किया था तो इस तरह का बहुत ज़्यादा चंकी नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसके 3-4 जो स्लाइस थे उनको चॉप कर लिया है ताकि उसका टेक्सचर, और क्योंकि भुर्ता ज़रा अच्छा लगता है अगर बहुत ज़्यादा पेस्टी ना हो, तो आपको भी अगर इस तरह पसंद है तो आप आधा उसमें कर लें और आधा फिर आप बोर्ड के ऊपर चॉप कर लें। तो चले आए, मसाला तैयार हो गया, तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखिए इसके ऊपर तेल आना शुरू हो गया। इसको इससे मज़ीद पकाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि कद्दू तो पहले ही गल चुके थे। अब इसको गार्निश करते हैं सब्ज मिर्च के साथ और धनिया के साथ।
इसको ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल आपको अगर आप किसी को नाम बताएं तो बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये लौकी का गुस्सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़रूर इस्तेमाल करें और ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।